तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम एक डाउनलोड की हुई 3D मॉडल में बॉल अटैच करते हैं वो सीखे थे, जिसमें आप बहुत सारा प्यार देता है और इसमें अपने ही बनाई हुई 3D मॉडल में बोन कैसे अटैच करेंगे वो सिखाने की वचन दिए थे, जो कि आज इस वीडियो में पूरी करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे अपने समदार अंदाज से एक 3D मॉडल तैयार करेंगे और उसमें जान डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब उसमें बोन अटैच करेंगे, जो कि कंप्यूटराइज 3D मॉडल एनिमेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत और प्रोफेशनल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बने रहे अंत तक और इस सफ़र के अंत तक अपने साथ देकर हमारे सफ़र को थोड़ा और आसान बनाएं। हम आपके हम सफ़र आशीष कुमार और आप देख रहे हैं ऐसी दी इमेजिंग क्रिएशन, लेट्स रिफ्लेक्ट योर इमेजिनेशन। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफ़र को और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार की हिस्सा बन जाए और अपनी कीमती तारीफ और गाली नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलिएगा। चलिए तय करते हैं आगे की बाकी सफर। For more updates, subscribe to the amazing creation to reflect your imagination. दोस्तों, रिश्ते में हम तुम्हारा साथ लगते हैं, नाम है प्रिज्मा 3D। तो दोस्तों, सिंपली प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, डाउनलोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और एक क्यूब ऐड कर लेंगे। कुछ इस तरह उसे एडिट करेंगे, एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके। ओके, अभी जो पार्ट है हमारा चिड़िया की पूंछ। ओके, चिड़िया की पूंछ के लिए हम इस तरह कुछ उसे एक्सपेंड कर लेना है अपने अंदाज में, और भी ज़्यादा खूबसूरत आप उसे इमेजिन करके आप उसे तैयार करवा सकते हैं। अभी सामने से उसके सर, क्यूट से सर निकालेंगे। तो दोस्तों, सर देख के बुरा मत मान लेना, ऐसे ही हमारा बकवास इमेजिनेशन। तो दोस्तों, अपना खूबसूरत इमेजिनेशन लगा के इमेजिन करके आप भी खूबसूरत सर जो है एग्जैक्ट रियलिस्टिक आप बना सकते हैं। तो सिंपली इस साइड, दोनों साइड को सिंपली सेम टाइम में सिलेक्ट करके कटिंग ऑप्शन से आप उसे एक्सपांड कर लेंगे उसके पंख के लिए। तो दोस्तों, विंग्स के लिए हम ध्यान देना कि दोस्तों, जो विंग्स है आप एक ही बार एक्सपांड मत कर लेना, क्योंकि आपको बोन जब ऐड करेंगे, बोन जब अटैच होगा वो अच्छी तरीके से अटैच नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, सर पर जैसे चाहे डिजाइन आप कर सकते हैं अपनी खूबसूरत अंदाज से। तो दोस्तों, तकरीबन हमारा ऑब्जेक्ट जो है रेडी हो चुका है। ये जो कट लगा रहे हैं हम उसमें, ये बोन अटैचमेंट टाइम ये अच्छे तरीके से फंक्शन हो पाए, ताकि ये छोटा छोटा जो कट्स हम लगा रहे हैं विंग्स पर और पूंछ पर जो लगा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से उसको जो है फ्लेक्सिबिलिटी एफर्ट प्रोवाइड कर पाए। अभी हम कुछ स्पीयर के सहारे लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्पीयर की ज़रूरत होगी मार्किंग के लिए। हाँ दोस्तों, इस स्पीयर के मदद से हम पॉइंट कर लेंगे कि कहाँ कहाँ हमें बोन ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जैसे कि हमने जो कट्स लगाए थे, छोटा छोटा कट्स, उनके बीचों बीच हमें जो बोन ऐड करना है, इसलिए उस जो मार्क को हम यूज करेंगे एक मार्कर के तरह। तो दोस्तों, और कुछ भी उसका काम नहीं है, क्योंकि हमें वो मार्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो बोन्स हैं अच्छी तरीके से फंक्शन हो पाए। ओके, इसी तरह आपको मार्क कर लीजिए ताकि बोन एडिंग के टाइम आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अभी ऑब्जेक्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव करना बहुत ज़रूरी है, कभी कभार हैंग हो जाता है मोबाइल इसी तरह मॉडलिंग के टाइम। अभी हम सिंपली बोन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको दिख रही है राइट साइड टॉप, सॉरी बॉटम राइट साइड कॉर्नर में। ओके, उसे यूज़ करेंगे और
नीचे राइट साइड में आपको हड्डियों का सिंबल दिख रही होगी, ओके उसे क्लिक कर लेंगे, ओके उसे क्लिक कर लेंगे एक बार क्लिक कर देंगे, देन चिड़िया की जो बॉडी पर्सन है, बॉडी पर्सन के बीचों बीच एक टैप करना है, मतलब वहाँ पर एक बोन ऐड हो जाएगा। अगर सेंटर में नहीं हुआ तो आप उसे बोन पर और एक बार क्लिक करके आप उसे मैन्युअली सेंटर पर रख सकते हैं। नेक्स्ट एंड होने के बाद एक बार ऑब्जेक्टिव बाहर क्लिक कीजिए, तो दोस्तों खाली स्पेस जो होता है वहाँ पर क्लिक कीजिए, देन फिर एक बार सेंटर वाले बोन को क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, ओके देन राइट साइड जो फंक है बोन ऐड कर लीजिए सेम टू सेम। फिर अंत में हम क्या करेंगे, सेंटर की जो बोन है फिर एक बार क्लिक करेंगे, आपको ध्यान रखना दोस्तों बोन पर ही सिलेक्ट हो जाए, फिर पीछे की ओर बढ़ें। ध्यान रखें हमारे सारे कनेक्शन जो है सेंटर से होके जा रही है, हमारे बॉडी के पार्ट भी ऐसा ही कुछ है स्ट्रक्चर। फिर एक बार सेंटर से सर के ओर बोन ऐड कर लीजिए कुछ इस तरह। फाइनली सर सारे जो बोन ऐड हो चुका है हमारा, अभी कुछ मंत्र करेंगे और उसे जीवदान दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी जो ऑप्शन है बोन ऑप्शन पर क्लिक करके उसे डिजेबल कर देंगे, ओके उसका काम तमाम हो चुका है। तो दोस्तों सिंपली डिजेबल करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना बोन पर जैसे टैप होना जाए, ओके टैप करने के बाद नीचे राइट साइड कॉर्नर में जो सर भगवान, बहुत बड़े भगवान है, वो भगवान बैठे हैं, उन्हें नींद से जगाएंगे, ओके ताकि वो हमारे फंकी को जीवदान दे दें। हम क्या करेंगे, वो राइट साइड कॉर्नर में जो बॉटम कॉर्नर में है उसे सिंपली सिंगल क्लिक कर देंगे, ओके क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड में अपना जो चिड़िया है जीवित हो जाएगा। अभी उसके फंक और पूंछ सर सबको मूव करवा सकते हैं। तो दोस्तों है ना मैजिक की बात। तो दोस्तों इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है उसे कैसे उड़ाना है, कैसे नचाएंगे, कैसे उड़ाएंगे कि कैसे चलाएंगे, कैसे मूव करवाएंगे, वो आपका जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक का हमारा सफ़र था, आशा करते हैं आपको इस मैजिक बेहद पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीलिंग्स ज़रूर शेयर करना। फिर मिलेंगे अगले एक शानदार सफ़र में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।